बेटा क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? क्या आप मेरे टूथपेस्टिंग में नमक की बात कर रहे हो? वो भी मेरे टूथपेस्टिंग में नमक, धनिया, अदरक, पुदीना, लहसुन, गोभी, तुरई, गरम मसाला, पनीर का मसाला, पाव भाजी, बड़का पाव, बड़ा पाव, और फिर छोटका पाव, छोटा पाव, और फिर मोटा वाला पाव, मोटा पाव, और बहुत कुछ है। और अब बात करते हैं कि नमक की, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। आप सभी लोग, ये जो ये रुके दिखाता हूँ कहाँ गया, कहाँ गया ये, हाँ ये रहा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसका नाम मैं क्या दूँ? मतलब ये कोई पक्षी है या फिर कुत्ता है या फिर क्या इसको नाम दूँ मैं? कल एक क्वेश्चन पूछा था, आज एक और क्वेश्चनिंग पूछता हूँ मैं। बताइए आप सभी लोग, वैसे तो आप लोग सभी लोग मुझसे बहुत पूछते हैं ना, आज मैं पूछ दिया। नमस्कार दोस्तों और दोस्तियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग टाउन हॉल 9 के लिए बहुत ही बढ़िया वाली, बहुत ही ज़्यादा ओपी वाली एक आर्मी देखने वाले हैं। और ये आर्मी हम सभी लोगों की ऐसी है कि इससे आप लोग सबके बेसिस को करेंगे स्वैग से 100%, और फिर उसके बाद गाना गाना स्टार्ट करेंगे स्वैग से, करेंगे सबका स्वागत। और फिर TH9 की इसलिए स्ट्रेटजी बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि सुबह हम लोगों का वोटिंग हुआ था, वोटिंग में जो टाउन हॉल 9 है वो भारी मतों के साथ विजयी हो गया। तो इसीलिए टाउन हॉल 9 की स्ट्रेटजी पर वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे पास टाउन हॉल 12 है नहीं, तो इसलिए मैं इसको नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन उसका भी जुगाड़ कहीं ना कहीं से बनाता हूँ जल्द ही। आप लोगों को सभी टाउन हॉल की स्ट्रेटजी मिल जाएगी, लेकिन टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 13 अभी तक नहीं बनाया हूँ एक भी, लेकिन कमिंग सून बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार अपने 12 15 20 25 30 35 40 45 उंगलियों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर जो साइड में एक घंटे का बटन है उस बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो ये रही हम सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुशील दिखने वाली आर्मी। यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्का और फिर एक जो गोलेम होता है उसको लेकर के जाना है। इस आर्मी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे आप सभी लोग सबके बेसिस को दो दो तीन तीन स्पेल स्वैग के साथ फोड़ देंगे। आप लोग यहाँ पर मेरे हीरोज़ का लेवल भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है, और फिर अपोनेंट का जो हीरो है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल का है। अब इस अटैक स्ट्रेटजी में आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले जो अपोनेंट का क्वीन है और फिर जो क्लैन कैसल का ट्रूप है उसको मारना है। अगर दोनों पास में मिल जाएंगे तो आप लोग इजिली किल कर लेंगे, और फिर अगर दूर पर रहेगा तो आप लोग को दो तीन हॉक्स को यूज़ करके क्लैन कैसल के ट्रूप को बाहर निकाल के मार देना है। तो चलिए अटैक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग दोनों साइड में बढ़िया से फनलिंग कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँ, दोनों बेबी ड्रैगन इधर एक ही पास में इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा था। और फिर इसके बाद सेकेंड साइड हम लोगों ने सबसे पहले गोलेम को छोड़ा, उसके बाद विजार्ड्स को। अब यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बीचों बीच जो किंग है, किंग को सबसे पहले छोड़ना है, फिर किंग के बाद अपने पिक्का को छोड़िए, फिर पिक्का को छोड़ने के बाद क्वीन को, और फिर इनके पीछे छोटे मोटे सैनिक यानी कि विजार्ड्स को भी रख दीजिए। अब अपोनेंट का जो क्लैन कैसल का ट्रूप है वो लंगड़ाता हुआ आप सभी लोगों के ट्रूप को मारने के लिए आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जहर दे दीजिए पॉइजन स्पेल को, उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और फिर पागलों के जैसा मरेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हॉगिंग मैंने तब स्टार्ट किया जब अपोनेंट के क्लैन कैसल का ट्रूप मर गया और फिर क्वीन भी मर गई। फिर इसके बाद अब आप लोगों का 3 स्टार है, मतलब ऐसे ऐसे करके 3 स्टार है, ऐसे ऐसे आप लोग को 3 स्टार मिलेगा। तो बस कुछ भी सोचना ही नहीं है कि अब हम लोग को करना क्या है अटैक में। अब इसके बाद आप लोग बढ़िया से जा सकते हैं खाना खाने के लिए, हर एक चीज़ करने के लिए जा सकते हैं। और फिर जो स्पेल है, स्पेल को आप लोग स्वैग के साथ दे सकते हैं या फिर स्पेल को अपने घर पर ले जा सकते हैं, दोनों चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। और इस अटैक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें आप लोग सबके बेसिस को 100% वो भी स्वैग के साथ फोड़ देंगे। आज तक कोई भी ऐसा बेस बना ही नहीं है जिसको 100% न फोड़ा जा सके। अब अगर इसमें आप सभी लोग अगर चाहें तो जो अपोनेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके क्लैन की बेइज्जती करने के लिए आप लोग क्लैन कैसल के ऊपर अगर स्पेल को डिप्लॉय करते हैं तो वो उस क्लैन की बेइज्जती करना होता है,
और अगर आप कहीं पर भी पूरे बेस में स्पेल को डिप्लॉय कर देते हैं तो वो होता है क्लैन की रिस्पेक्ट करना। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ऐसा ही करना चाहिए कि हमेशा क्लैन की रिस्पेक्ट करिए, कभी भी किसी के क्लैन की बेइज्जती ना करिए। तो चलिए एक और भी अटैक इसी आर्मी के साथ देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा तो क्वीन की एबिलिटी बची हुई थी और फिर स्पेल तो आप लोगों ने देखा ही कितना ज़्यादा बचा था। तो ये रहा हम लोगों का एक दूसरा बेस। अब देखिए इस बेस में भी आप लोग को अटैक में क्या करना है। सबसे पहले दोनों साइड की फनलिंग कर लीजिए जिससे कि सभी ट्रूप्स कोर में पहुँच जाएँ। और फिर यहाँ पर साइड में फनलिंग करने के लिए हम सभी लोग बेबी ड्रैगन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बेबी ड्रैगन को मैंने अलग अलग जगह पर छोड़ा, जबकि यही पिछले जो अपने हम लोग अटैक किए थे तो उसमें दो बेबी ड्रैगन को एक ही पास यूज़ किया था क्योंकि वहाँ पर स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा था। ये चीज़ आप लोगों को बेस को देखने के बाद अपने माइंड में सेट करना है। बीचों बीच हम लोग रख देंगे अपने पिक्का को। पिक्का को रखने के बाद किंग और फिर किंग को रखने के बाद हमेशा क्वीन, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि बचपन से ही किंग को मार खाने की आदत है। और फिर किंग जो है हम लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा च्यवनप्राश पतंजलि के प्रोडक्ट्स खा करके इतना बड़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो अपोनेंट का क्लैन कैसल का ट्रूप था वो काफ़ी अंदर था, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पहले निकाल करके यहाँ पर बाहर दौड़ा दौड़ा कर मार देंगे, उसके बाद हॉगिंग को स्टार्ट करेंगे। अब हॉगिंग करने का सही तरीका ये है कि जैसे आप लोग लून को हमेशा फैला करके छोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम लोगों को फैला करके छोड़ना है। हग्गू का लिया है अपना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी स्वैग दे सकते हैं। हम लोगों के पास दो स्पेल बचा हुआ है। मान लीजिए एक फ्रीज स्पेल जो है अपना वो यहाँ पर यूज़ करना पड़ जाएगा, उसके बाद फिर भी हम लोग एक स्पेल का स्वैग दे देंगे। और देखा जाए तो एक स्पेल का स्वैग रहे या फिर दो स्पेल का स्वैग, स्वैग तो हमेशा स्वैग ही रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक फ्रीज स्पेल यूज़ कर देंगे और फिर इजिली 3 स्टार हो चुका है हम लोग का। अब आप लोगों को यहाँ पर जो अपने क्लैन कैसल में ट्रूप लेकर के जाना है वो रहेगी अपनी मैक्स वॉल्किरी और फ्रीज स्पेल। अगर मान लीजिए मैक्स वॉल्किरी नहीं मिल पा रही है तो कोई भी लेवल का ही ले जाइए, लेकिन लेकर के जाइए उसी को। और इसी के साथ आप लोगों को इस अटैक में एक और भी चीज़ का ध्यान देना रहेगा कि कभी भी जितने भी विजार्ड्स को लेकर के जा रहे हैं सभी विजार्ड्स को एक ही जगह पर वहाँ पर जो किंग और क्वीन है उसी के पास न छोड़ दीजिए। कम से कम एक या दो विजार्ड्स को बचा करके रखिए जिससे कि हम लोगों को टाइम का पंगा न पड़ने पाए। और फिर जहाँ पर डिफेंस खत्म हो जाए तो वहाँ पर एक दो विजार्ड्स भी रख दीजिए और फिर वो भी अच्छा खासा बेस को गायब करता रहेगा। मान लीजिए क्योंकि अगर 3 स्टार नहीं आ पाता है, क्योंकि किस्मत में रोना तो क्या करेगा कोरोना, तो मान लीजिए नहीं आ पाता है तो बढ़िया अच्छा खासा परसेंटेज भी खींच पाएंगे उससे। तो मुझे लगता है कि यार CWL के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेस्ट आर्मी है। हमेशा 3 स्टार इस आर्मी से फोड़ देंगे किसी का भी बेस रहे। बेस मायने नहीं रखता, ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए चलता हूँ, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन और फोड़ते रहिए सभी का बेस, किसी के भी बेस को छोड़िए मत। और फिर ये वाली आर्मी से तो CWL में जिसका भी बेसेस मिले अपोनेंट का उसको तो गिरा गिरा कर इतना तोड़िए कि उसकी भी हालत ख़राब हो जाए। तो चलिए चलता हूँ, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।